पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़े विवादों में घिर रही है। चुनाव से 6 महीने पहले आपके पंजाब पर संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर पर टिकट बेचने का आरोप लगा है। आरोपों के बाद पार्टी ने सुच्चा सिंह को संयोजक पद से हटा दिया है और मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। पार्टी ने कहा है कि सुच्चा सिंह को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले केजरीवाल की पार्टी में अहम जिम्मेदारी के लिए छोटेपुर पर भ्रष्टाचार का आरोप आप पार्टी पर कई सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक शुचिता और ईमानदारी को अपना राजनीतिक उद्देश्य मानने वाली आम आदमी पार्टी खुद के घर में ही बेनकाब होती दिख रही है। पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर पर कथित तौर पर एक स्टिंग में टिकट के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा है। स्टिंग की खबर के आने के बाद पार्टी ने उन्हें पंजाब के संयोजक पद से हटा दिया है, हालांकि वो पार्टी में बने रहेंगे। ये फैसला किया गया तुरंत प्रभाव से, सुच्चा सिंह छोटेपुर जी को कन्वीनरशिप जो पंजाब की है उससे हटाया जा रहा है और एक जांच समिति जो है वो बनाई गई है। इधर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है और वो खुद पार्टी नहीं छोड़ेंगे। सुच्चा सिंह ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी आरोप लगाया है। बेबुनियाद है, झूठे हैं, सियासत से प्रेरण है, मेरे को डैमेज करने के लिए लगाए गए हैं। अगर डिप्टी सीएम किसी की रिकॉर्डिंग करता है अपने कन्वीनर की, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बदकिस्मती की बात है। आम आदमी पार्टी में चल रहे स्टिंग की खबरों और कोहराम ने बैठे बिठाए पार्टी पर दूसरे लोगों को भी हमला करने का मौका दे दिया है। किसी मर्जी वर्कर तो पूछ लो, पैसे जरा दूंगा उन्हें टिकट मिलूंगी। आज जनरल मैसेज पूरे पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी के काडर च है, जिन्हें 30 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, मतलब अद्धे तो ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन्होंने। दरअसल पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और जानकारों की माने तो इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। न्यूज़ टाइम डेस्क, डीडी न्यूज़।